छात्रों का स्वागत है। आज हम आए हुए एक संख्या फाउंडेशन के स्कूल पे टीचर दिवस के मौके पर आज हमारे साथ मनोज चाची जी का तो उनसे जानना चाहेंगे कि वो ईद मिलाद के मौके पर आज यहाँ पे आए हुए तो आज हमारी कौन को क्या है संदेश देंगे उनकी तरफ। सबसे पहले तो मैं एक संख्या फाउंडेशन को मैं निर्देश करता हूँ कि उन्होंने हमारे आवाम के लिए आज ईद मिलाद उन नबी के तौर पे यहाँ पे लोगों की सेवा करने का काम किया, खिदमत करने का काम किया और आने वाले जो हमारे जो आवाम है उनका हौसला अफजाई करने का यहाँ पे उन्होंने फैसला किया। एक संख्या फाउंडेशन को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने तमाम हमारे इस्लाम आलम को यहाँ पे ईद मिलाद उन नबी की मुबारकबाद देने के लिए यहाँ पे हमारे जैसे आने का मौका बुलाया। मेरी तरफ से और हमारी शिवसेना पार्टी की तरफ से ईद मिलाद उन नबी की तरफ से हम तहे से सब नबी को मुबारकबाद देते हैं और आप लोग का शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद सर। आज के मुबारक ईद के मौके पर हम लोग हमारी ये दुआ रहेगी कि शिवसेना पार्टी को उनका सिंबल मुबारक मिले और वो सपना में उसी तरीके से आए जिस तरीके से उन्होंने काम किया मुसलमानों के लिए, खासकर उद्धव ठाकरे जी ने हमारे आदरणीय माजी मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब ने कोरोना के माहौल में कितने कोरोना साहब ने जिस तरीके से काम किया, सभी धर्म को साथ में लेके शांति के साथ इन लोगों की सेवा करने का काम किया। कोरोना जैसी महामारी में भी आवाम को आपस में लड़ने झगड़ने के लिए कहीं पर भी उन्होंने मौका नहीं दिया, सबको साथ में लेके सभी जाति धर्म के लोगों को साथ में लेके उन्होंने यहाँ पे लोगों की सेवा की और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सभी जाति धर्म के लोग आने वाले दिनों में भी हमारी शिवसेना पार्टी के साथ में रहेंगे। दर्शकों आजाद इंडिया न्यूज की तरफ से स्वागत है आप लोगों का। आज हम आए हुए एक जरिया फाउंडेशन में, जहाँ पे हमारे साथ है एक जरिया फाउंडेशन के प्रेसिडेंट मुसम्मिल टोलकर जी। तो उनसे जानना चाहेंगे कि आज ईद मिलाद के मौके पर ये जिस तरीके से एक जरिया फाउंडेशन का स्टेज लगा हुआ है तो उन्होंने एक जरिया फाउंडेशन के जरिए लोगों के लिए क्या हित में काम करते हैं और लोगों के हित में क्या काम करते रहेंगे उनसे जानना चाहेंगे। हर साल की तरह इस साल भी हम लोग अच्छी जो गाड़ियाँ रहती है इस नदी में उसको टॉफी देते हैं और आप लोगों को बिस्किट ठंडा वंडा हर चीज़ का हम लोग यहाँ प्रोवाइड करते हैं और ये हमारे खुशी का दिन है इसलिए हम लोग उसको बहुत खुशी से मनाते हैं। और ईद और एक जगह फाउंडेशन मेडिकल से लेकर लोगों गरीब लोगों के लिए काम करती रहती है और हमेशा करती रहती है। हिंदू मुसलमान मिलकर रहना चाहिए, एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए और एक सरिया फाउंडेशन की तरफ से हमारे लिए बधाई है ईद मिलादुन नबी की। मैं हमारे सभी भाई को ईद मिलाद नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और AIM का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो हमारे लिए हमेशा पूरे भीड़ के अंदर हमारे इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।